चंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमो बढ़िया तरीके से की गई है, अंदर हो चुका है। और यहाँ से आपको पूरी अयोध्या दिखता है अगर देखेंगे। जय श्री राम, मैं पवन यादव अयोध्या से, और अभी हम खड़े हुए हैं अयोध्या के लक्ष्मण घाट के पास। आपने कई बार अयोध्या के नए डेवलपमेंट देखे होंगे हमारे चैनल पर, और कई जगह आपने नए निर्माण भी देखा होगा और नई मंदिरें देखी होंगी बनते हुए। आज हम आपको पुरानी अयोध्या दिखाते हैं। आपने कई बार एक हमारी वीडियो थी 600 साल पुरानी अयोध्या, जिसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया, जिसमें मिलियन में आपने उसको पहुंचा दिया है। चलिए आज हम फिर से आपको दिखाते हैं किस तरीके से पुरानी अयोध्या जो है, बहुत सारी ऐसी मंदिरें हैं जो आप तक नहीं पहुंचती, आप वहां जाके दर्शन नहीं कर सकते, वो चीज़ भी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से वो प्राचीन मंदिरें जो धरोहर हैं हमारे अयोध्या की, वो कैसे दिखती हैं। अभी हम आए हैं लक्ष्मण घाट पर, और लक्ष्मण घाट किस लिए बना है वो भी हम आपको दिखाते हैं ऊपर चल के। ये ऊपर आप देखेंगे किस तरीके से ये बना हुआ है लक्ष्मण घाट, और क्यों बना है लक्ष्मण घाट, ये सब भी हम दिखाते हैं। आज शुरुआत हम लक्ष्मण घाट से करते हैं। अभी हम लक्ष्मण किला के पास हैं, और लक्ष्मण किला का इतिहास ये है कि जब रामायण ख़त्म हुआ था, आपने सुना होगा, और रामायण धारावाहिक में भी देखा होगा आपने, जब प्रभु श्री राम जी और पूरी प्रजा आखिरी में गुप्त हो जाती हैं, तो गुप्त होने से पहले हमारे लक्ष्मण भैया जो हैं, यानी प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी, पहले गुप्त हुए थे। पूरी प्रजा और प्रभु श्री राम जी से पहले लक्ष्मण जी गुप्त हुए थे अयोध्या में, और राम जी जो गुप्त हुए थे प्रभु श्री राम जी, वो अयोध्या के गुप्तार घाट में गुप्त हुए थे। तो इस वजह से यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर बनाया गया है। और इधर हमारे साइड, इधर आप देखेंगे तो ये घाट बनाए गए हैं इधर साइड में हमारे पीछे, और ये लक्ष्मण जी का मंदिर है और ये लक्ष्मण जी को समर्पित है। और तो इसका ये इतिहास था कि यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी गुप्त हुए थे, इसके बाद पूरी प्रजा अयोध्या की और प्रभु श्री राम जी अयोध्या के तकरीबन 7 किलोमीटर दूर गुप्तार घाट में गुप्त हुए थे। तो ये लक्ष्मण जी को समर्पित है ये मंदिर, और अगर आप आना चाहते हैं तो अयोध्या शरयू नदी के किनारे ये रास्ता है, और सीधे इस रास्ते से होते हुए आप लक्ष्मण जी का दर्शन जो है कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल बंद है और मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ। चलता हूँ दूसरे मंदिर की तरफ, और दूसरी प्राचीन मंदिर दिखाते हैं अयोध्या की। और ये इस वीडियो का मोटिव ये रहेगा कि आप तक पुरानी अयोध्या को पहुँचाना, और जो भाई जो श्रद्धालु अयोध्या आते हैं तो वो कैसे घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, वो चीज़ भी मैं आज दिखाऊंगा। अभी हम आ गए उस जगह पर जहाँ पर बहुत ही पहले यहाँ पर रामलीला वगैरह हुआ करता था। लक्ष्मण किला के हम थोड़ा से आगे आए हुए हैं, और लक्ष्मण किला के इधर साइड ये खंडहर आप देख सकते हो, कितना प्राचीन खंडहर है। ये लक्ष्मण घाट है, और इधर बगल में चौकी, इधर साइड लक्ष्मण घाट आपने देखा होगा। तो अभी हम ना बहुत ही पुराने जगह पे, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर रामलीला वगैरह हुआ करता था इस मैदान में बहुत ही पहले, और देखेंगे इधर कितना खंडहर ये पूरा पड़ा हुआ है। ये आप देखो एकदम जर्जर केस में पड़ा हुआ है। इधर साइड आप देखोगे ना, ये दरवाजे आप देखो कितने अजीब तरह दिख रहे हैं, और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा है। देखिए मैं यहाँ आया हूँ, सच बता रहा हूँ, आप देखो बहुत ही अजीब है। इधर आप देखेंगे ये किस तरीके से यहाँ पर एकदम खंडहर हो चुका है, और यहाँ से आपको पूरी अयोध्या दिख रहा है। एकदम पुराना आपको दिखेगा। आपने कई बार नई अयोध्या देखी होगी, बट आज हम आपको पुरानी अयोध्या दिखा रहे हैं। इधर ये आप देखिए, सच्ची बता रहे खजाना भी हो सकता है एकदम। ये देखिए
यहाँ पर आप देखोगे जो ये लकड़ी की नक्काशी वगैरह बनी हुई थी, मे भी यहाँ पर कभी किसी मंदिर रहा होगा, किसी भगवान जी का यहाँ पे स्थापित रहे होंगे, जो कि आप देखोगे ना पूरी तरीके से किस तरीके से ये पड़े हुए हैं। इधर ये चौतरा बना हुआ है, एक चौकी बनी हुई है भगवान जी के रहने की, और बहुत ही पुराना है। मैं पास से दिखा रहा हूँ, ये देखिए देखिए कितना ज़्यादा ये पुराना दिख रहा है। इसमें नक्काशी किए गए हैं, इसमें मोर बनाए गए हैं, और ये पिलर आप देखिए किस तरीके से दिख रहा है, और अंदर में बहुत अजीब तरह ये पूरा दिख रहा है ये, और ये खंडर आप देखिए कितना अजीब है। और इधर चलते हैं, इधर दरवाजे भी आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खंडर जो हैं आपको दिखते हैं। और मैं बाहर चलता हूँ, और भी दूसरी जगह चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको, ऐसे ऐसे प्राचीन मंदिरें जो हैं आपको देखने को मिलेगी हमारे ही चैनल पर। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे चलते हैं दूसरे मंदिरों में, और वहाँ पे भी दिखाते हैं किस तरीके से जो पुरानी मंदिरें हैं दिखती हैं इस टाइम। और हम आ गए अयोध्या की गलियों में, और ये आप पुराना देखिए गली है, ये बहुत ही प्राचीन गली है। इस गलियों में आपको ऐसे बहुत सारे मंदिरें दिख जाती हैं, बहुत ही पुरानी मंदिरें जो 600 साल 700 साल पुरानी मंदिरें हैं जो अभी दिखती हैं। इधर देखिए ये पूरा पेड़ वगैरह आप देखो कितने वर्षों पुराने पुराने पेड़, ये गलियाँ, इसमें कथा वगैरह भी होते रहते हैं हर जगह पे। देखिए देखिए कितने पुराने पुराने घर दिख रहे हैं इधर साइड में, और आगे महल भी दिख रहा होगा आपको, महल भी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से दिख रहा है अभी इस टाइम। कितना पुराना और कितने अच्छे तरीके से नक्काशी करके ये पूरा महल जो है बनकर तैयार हुआ है। ये हमारे अयोध्या की गली है, बहुत ही प्राचीन गली है। जिस तरीके से आप बनारस में हर जगह मथुरा में वृंदावन में और गोकुल की गलियां देखते हैं, उसी तरीके से हम अपने अयोध्या की गलियों को दिखाने की कोशिश करते हैं। और इधर आप देखोगे तो बहुत ही प्राचीन ये जो है धरोहर आपको दिख जाती है, और कहते हैं ये टूटने वाला है और चौड़ीकरण में, क्योंकि ये मे भी अगर राम मंदिर कॉरिडोर अगर बन जाता है तो ये रास्ता चौड़ा हो जाएगा। इधर दिखाते हैं, ये इसके जो जर्जर केस में आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से पिलर जो है पड़े हुए हैं, और ये आप देखो बहुत ही अद्भुत ये नज़ारा आपको दिखता है। और आगे इस गलियों में बहुत सारी ऐसे हवेलियाँ हैं, ऐसे घर हैं, ऐसे मंदिरें हैं जो कि आपको बहुत ही पुराने जो है धरोहर को दर्शाती है, मंदिरों को दर्शाती है, और आप ऐसा लीन हो जाओगे, राममय हो जाओगे, लगेगा कि आप त्रेता युग इस तरीके से आपको ये गली लगती है। अगर ये गली आना चाहते हैं तो लक्ष्मण घाट जो किला है उसके आगे ही आपको पड़ता है, यहाँ से आप रामपैड़ी भी बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ बहुत ही प्राचीन मंदिरें और बहुत सारे ऐसे हवेलियाँ हैं, ऐसे महल हैं, और इधर साइड आगे आएंगे तो ये आपको ये भव्य महल जो है ये देखने को मिलेगा। काफ़ी वीडियो में भी आप देखते होंगे, और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये अभी जो है इस केस में पड़ा हुआ है, ये चीज़ आप देखिए। महल आप देख रहे हैं किस तरीके से वीरान पड़ा हुआ है, और बहुत ही भव्य और बहुत अच्छी नक्काशी करके ये महल जो है पूरा बनकर तैयार हुआ था हमारे पीछे। देखिए बहुत ही भव्य, ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा इतना सुंदर महल जो है अब के लोग, अब के जो कारीगर हैं वो नहीं बना सकते। जिस तरीके से पहले लोग कारीगर जो थे महाराजा लोग थे वो बनवा देते थे, उस तरीके से अब जो है इम्पॉसिबल है, नहीं बन सकता है।
तो अयोध्या की गलियों में कौन कौन टहलना चाहता है, कौन कौन घूमना चाहता है और राममय होना चाहता है, क्योंकि राममय होना नई चीज़ों में नहीं पुरानी चीज़ों में होता है। क्योंकि जानते हैं ना, पुरानी चीज़ में अगर देखोगे आप तो आपको, सच्ची बता रहे हैं, पूरी रामायण काल आपके सामने दृश्य जो है सामने आ जाएगी। और ये महल आप देखेंगे तो ये महल ना आपको अनुभूति कराएगी हमारे प्रभु श्री राम जी के रहने की अयोध्या में, पुरानी अयोध्या की देखने के लिए। तो अंदर से चलते हैं और अंदर में भी दिखा दें किस तरीके से ये प्राचीन मंदिर जो है दिखता है अभी। ये फिलहाल अभी देखो, जो इसके जो दरवाजे हैं इनकी नक्काशी वगैरह आप देखोगे कितनी बढ़िया तरीके से की गई हैं। इधर साइड ये देखो, ये पुराना धरोहर है। और अंदर चलते हैं, अंदर से आंगन दिखाते हैं और मंदिर जो इधर बंद है। तो हम चलते हैं दूसरे तरफ, दूसरे मंदिर की तरफ और अपने गलियों में होते हुए राम की गलियों में, अयोध्या की, अयोध्या जी की गलियों में। आप पीछे जो महल आप देख रहे हैं ये महल जो है प्रतापगढ़ के राजा जी ने बनवाया था। और आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं। इधर भी आपको पुराने घर, पुराने तरीके से जो बनावट है अयोध्या में, इधर मंदिरें आपको दिख जाती हैं। इधर देखिए पूरी अयोध्या, पुरानी प्राचीन ये गलियाँ, महल। इधर साइड आप देखिए किस तरीके से नक्काशी करके बहुत सारे। अयोध्या की गलियों में आप देखेंगे ऐसे जय श्री राम लिखा मिल जाएगा आपको कुछ दूरी में। इधर ये पुराने मंदिर, हर घर में मंदिर, और हर घर में मंदिर आपको दिख जाते हैं प्रभु श्री राम जी के, माता सीता, लक्ष्मण जी के। और अयोध्या आपकी गली आप देखो, इधर साइड ये गली ख़त्म नहीं होती, जिस तरीके से बनारस की गलियाँ हैं एकदम छोटी छोटी, उस तरीके से अयोध्या की गलियाँ हैं। इधर साइड आपने महल देखा ही है। और आगे चलते हैं और भी हम आपको दिखाते हैं पूरा। जैसे जो नई अयोध्या पूरी बस रही है उस बीच पुरानी अयोध्या आप देखेंगे तो इधर साइड में भी बहुत सारे ऐसे जर्जर केस में बहुत सारे घर हैं, ऐसे मकान हैं, ऐसे मंदिरें हैं जो पड़ी हुई हैं। और ये सब देखिए पीछे हमारे किस तरीके से पूरे दिखते हैं। इधर ये मंदिर आप देखिए बहुत ही पुराने हैं, इनकी नक्काशी वगैरह इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी नक्काशी अब के टाइम नहीं कोई कर सकता। इधर ये पूरा आप देखिए बहुत ही अद्भुत नजारे हैं। अगर आप अयोध्या में आते हैं तो इस गली में आएं, और अयोध्या में अगर आप आते हो घूमने, काफ़ी दूर से अब आते हो, तो एक दिन ये समय निकाल के पुरानी अयोध्या का दर्शन करें। और पुरानी अयोध्या का दर्शन कैसे करें सब मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। पुराने पुराने घर आपको दिख जाते हैं। इधर साइड में भी आपको बहुत ही पुराने घर हैं, ये नागेश्वरनाथ मंदिर के पीछे वाली गली में आपको दिख जाते हैं। देखिए
तो आपने अयोध्या के जो गलियों के दर्शन आप कर रहे हैं, आगे चलते हैं, आपको मैं नागेश्वरनाथ मंदिर दिखाता हूँ। नागेश्वरनाथ मंदिर वो मंदिर है जहाँ पर प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई कुश जी ने बनवाया था उसको, और भोले शंकर जी को समर्पित है वो मंदिर। और सरयू नदी के किनारे है। पहले सरयू नदी जो है राम पैड़ी के पास बहती थी, जो कि अब सरयू नदी अलग हो गई है, उसके बाद बांध बन गया है, रिवर फ्रंट बन गया। रिवर फ्रंट के बाद ही एक नई घाट का निर्माण किया गया जिसका नाम राम पैड़ी है। राम पैड़ी पर स्थित है ये बहुत ही प्राचीन मंदिर श्री नागेश्वरनाथ मंदिर। इधर ये प्राचीन घर, ये गलियाँ, ये सब आपको जो है राम पैड़ी के पीछे देखने को मिलता है, जो कि पहले राजा महाराजा ने बसाया था। तो सामने आप जो देख रहे हैं ये नागेश्वरनाथ मंदिर का पिछला गेट है, और हमारे ये आप देखिए पूरे मंदिर, ये जिस तरीके से आप गोकुल में आप देखते होंगे ये गली, उस तरीके से ये गली भी बनाई गई है, और बहुत ही प्राचीन गलियाँ हैं। यहाँ पर दीवारें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुरानी दिखती हैं। ये अंदर का नज़ारा है मंदिर के, और सामने से भी हम आपको दिखाते हैं, ये गली इधर से आपको दिख जाती है। देखिए हम नागेश्वरनाथ मंदिर के आगे आ गए हैं। नागेश्वरनाथ मंदिर यही है मंदिर, और कई बार आपने दर्शन भी किए होंगे हमारे वीडियो में, और आज भी आप दर्शन करिए नागेश्वरनाथ मंदिर जी। तो नागेश्वरनाथ मंदिर आपने देखा बाहर से, और बहुत सारी वीडियो में मैं अंदर का भी दिखाया हूँ। और आगे चलते हैं, हम आपको राम पैड़ी दिखाते हैं, राम पैड़ी। और इधर साइड ये आप पूरा देखिए किस तरीके से बाहर से ये जाया जाता है। आप राम पैड़ी से भी आ सकते हैं, यहाँ पर श्री नागेश्वरनाथ मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। नागेश्वरनाथ मंदिर के बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी अयोध्या में सिर्फ एक ही मंदिर मिलेगी, माँ श्री सरयू मंदिर। ये आप दर्शन कर सकते हैं, बगल में ही, गेट के जस्ट बगल में ही है, और यहाँ पर आप दर्शन करके माँ सरयू जी का जो है आशीर्वाद ले सकते हैं। हम आ गए हैं अयोध्या के राम पैड़ी पर, और राम पैड़ी के पीछे आपने पूरी अयोध्या देखी जो पुरानी अयोध्या को दर्शाता है, और कई बार मैं आपको दिखा चुका हूँ पुरानी अयोध्या को लेकर। तो आप पुरानी अयोध्या और नई अयोध्या में कंपेयर कर सकते हो, काफ़ी वीडियोज़ आती रहती हैं अयोध्या को लेकर। और देखिए किस तरीके से भीड़ है अयोध्या के ये राम पैड़ी पर, ये घाट नंबर 6, और यहाँ पर लेजर शो वगैरह भी किए जाते हैं। अब जिस तरीके से पुरानी जो है सब चीज़, समय जो है वो बीतता रहता है, और जिस तरीके से समय चेंज होता रहता है उस तरीके से सब इंसान आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बढ़ने के अलावा अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं खोना चाहिए, और ना ही उसको तोड़ना चाहिए, ना ही उसको ख़राब करना चाहिए। मेरे इस वीडियो का मोटिव ये था कि निर्माण के जो नया निर्माण किए जा रहे हैं उसके बीच में अगर ये सब पुरानी धरोहर है, पुरानी मंदिरें हैं, और बहुत ही पुराने घर हैं, हवेलियां हैं, उनको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन, अगर जैसे मैं हूँ, हमारे जो जनरेशन होगी वो इस चीज़ को देखे, महसूस करे कि हमारे पुराने जैसे, पुराने जो दादा परदादा थे, कैसे राजा महाराजा कैसे मंदिरें बनवाते थे, कैसे प्राचीन चीज़ दिखती थी हमारे अयोध्या में, वो सब भी चीज़ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निर्माण के अलावा नए जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, नई मंदिरें बना रही है, उस मंदिरों में बहुत सारी जो एक प्रभु श्री राम जी की जो मंदिर है, उस मंदिर की वजह से जो पिछला वाला हिस्सा है जो मैं आपको दिखाया, जिसमें कॉरिडोर भी बनाया जा सकता है, अगर कॉरिडोर अगर बनाया जा सकेगा यानी बन जाएगा, तो वो जो गली है, वो जो पुरानी धरोहर है, वो टूटेगी, कंफर्म है टूटेगी, क्योंकि कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो अगर रिक्वेस्ट मैं करूँगा यही कि घाट की तरफ से उस कॉरिडोर को बनाया जाए, और वो जो गलियाँ हैं, वो प्राचीन मंदिरें हैं, उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि आप त्रेता युग में आ गए हों, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कलयुग में हों, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप त्रेता युग में हैं। तो ये आप राम पैड़ी का एक व्यू लीजिए, और ये राम पैड़ी और पूरी आधुनिक बन चुका है, पूरे नए दृश्य आप देख रहे होंगे, सब कुछ चेंज हो चुका है। पहले जो सरयू नदी इधर बहती थी वो अब उधर बहती है, ये बीच में सरोवर जैसा ये राम पैड़ी जो है ये पूरा बनकर इधर तैयार हुआ है। तो बताना ये आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो को अच्छी लगी हो, कोई गलती हो गई हो, तो मुझे माफ़ करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, बोलिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।